देखिए कृषि क्षेत्र की बात हमने यहाँ पर की है, वो क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, अन्नदाता बहुत जरूरी है हमारे लिए, कृषि नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब अपने कार्यक्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए राजस्थान जो है सरकार वो लगातार मिशन 2030 की यहाँ पर बात करती है, महिलाओं के विकास पर केंद्रित ये पूरी की पूरी योजनाएं कैसी होनी चाहिए, इनको लेकर चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जाती है। मेरी सहयोगी नैना जो है देखिए वो अब आगे बातचीत यहाँ पर करेंगी और इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि मिशन 2030 जो है उसको लेकर जो पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है उसको कैसे पूरा यहाँ पर किया जाए। श्री उदयलाल अंजना जी जो है वो इस वक्त हमारे साथ जो है वो भी जुड़ेंगे, वो चर्चा करेंगे। और इस वक्त देखिए श्री प्रमोद दशोरा जी जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है चित्तौड़गढ़ में, उनका मैं स्वागत यहां पर करना चाहूंगी। नैना हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे लगता है राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत कंजूस हैं। समझ गए, बिल्कुल सब समझ गए, कंजूस भले हो लेकिन समझदार जरूर हैं। नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, पूरा सेशन है। अच्छा मैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ूं, आप लोग मुझे जरा बताइए कि आप लोग कौन कौन सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, डिजिटल मीडिया से कौन कौन कनेक्टेड है ना, हाथ उठाकर बताइए। ऑलमोस्ट सभी हैं, यानी कि राजस्थान में भी जो एक डिजिटल अवेयरनेस है उससे हम सभी कनेक्ट हो चुके हैं। और इसी पर ही हम चर्चा करेंगे कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र को आखिर कैसे राजस्थान में कनेक्ट किया गया है, खास तौर से डिजिटलाइज किया गया है। मेरे साथ में प्रमोद दशोरे जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं चित्तौड़गढ़ के। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर हम हर एक क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा भी कि राजस्थान चूंकि अपनी संस्कृति रंगों की वजह से जाना जाता है, यहाँ के ग्रामीण परिवेश और कई ऐसे ये कहा जाए दुर्गम इलाके हैं वहां तक शायद पहुंच बनाना बहुत मुश्किल होती है, तो ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटलाइज अगर करते हैं तो क्या तैयारियां की गई थी और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज था ये कोविड काल के समय में देखने को मिला था। कोविड के समय डिजिटल एजुकेशन की बहुत अति आवश्यकता हो गई थी, सब घरों में रह गए थे, हम इधर उधर जा नहीं सक रहे थे और बच्चों के साथ बड़ी समस्या थी, बच्चे सब घर पर ही थे और घर पर बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए उस समय भारी चैलेंज आया था। और उस समय हमारे एजुकेशन की पूरी टीम ने खास तौर से मोबाइल पर इस प्रकार के लेसन तैयार किए और लेसन तैयार करके बच्चों को घर घर पर जाकर के बच्चों को लेसन देना और रोजाना उसकी प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल करके वापस बच्चों को बांटना और वापस इसको इकट्ठा करना, वापस उसका ऑनलाइन वापस की चेक की चेकिंग करना, ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि बच्चे आंसर शीट का वापस फोटो खींच के डाल दो और फोटो खींच के डालने के पश्चात वापस उसकी आंसर शीट चेक होकर आ जाती थी। तो ये जो महत्वपूर्ण चैलेंजिंग हमारे पास जब कोविड से आया था और इसी चैलेंज के द्वारा हम मिशन 2030 की तरफ बढ़ते हैं, तब आने वाले समय हम देखते हैं कि उसका जो फायदा मिला हमें कोविड काल का, उस चैलेंज का जो फायदा ये मिला कि हमारे पास एजुकेशन के अंदर जो चैलेंज अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है ज्ञान के अंदर, और अगर उसको यूनिवर्सल से जुड़ना है तो उसको डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु किसी व्यक्ति को समर्थ नहीं बना सकता। और इसी कारण से वह कोविड काल के पश्चात जब बच्चे वापस आए तो हमने उस चीज को छोड़ा नहीं, अब हम इसकी तरफ बढ़ गए हैं और ज्ञान को वापस डीप में जाने के लिए, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए डिजिटल एजुकेशन एक तरह से हमारा सहारा बन गया है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही हम कहते हैं सबसे पहले एनपीसीएल ने इस पे तरफ कदम उठाया और लगभग वहां पर जितने भी स्कूल्स थे जो सीनियर सेकेंडरी संचालित थे जहां पर समस्याएं थी, वहां पर एक साथ 13 स्मार्ट बोर्ड्स, इंटेलेक्चुअल बोर्ड्स वहां पर अवेलेबल कराए सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके पश्चात जहां पर भी कंपनियां थी उन कंपनियों ने अपने अपने एरिया के अंदर सीएसआर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था चालू की। इसके पश्चात सरकार ने
वर्तमान में पिछले साल से हमने फिर इसकी तरफ कदम उठाया और सरकार ने लगभग 304 स्कूलों में एक साथ इस वर्ष डिजिटल इंटेलेक्चुअल बोर्ड स्थापित हो रहे हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ देखें हम तो इस जो दुनिया में बहुत डिजिटल एजुकेशन की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है। आने वाले समय के अंदर यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा आपने एक प्रमोद जी बात कही है कि किस तरह से जब कोविड आया तो सभी को निराश कर गया, कई तरह की परिस्थितियां हमने देखी, लेकिन एक सकारात्मकता ये भी दिया कि हम एक नए भारत की तरफ, नए नए कदमों की तरफ सकारात्मकता से आगे बढ़े। आपने कहा डिजिटल एजुकेशन, जाहिर सी बात है क्योंकि शहरों में इंटरनेट की व्यवस्था होती है, सारी चीजें स्मार्टफोन्स शायद बहुत इजीली अवेलेबल हो भी जाते हैं, लेकिन ग्रामीण राजस्थान या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर डिजिटल एजुकेशन कैसे प्रमोट की जाती है, वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था हो या फिर कैसे जनता को, बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कनेक्ट करते हैं? अभी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमने एक और योजना बनाई। हमने सभी स्कूलों के लिए लगभग 4 TB की हार्ड डिस्क को परचेज करने के लिए कहा और उसके लिए लगभग कॉस्ट थी लगभग 8,000 रूपये, तो कुछ स्कूलों ने इसको CSR के थ्रू खरीद ली, जिससे जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, इंटरनेट नहीं है, तो वो 4 TB की हार्ड डिस्क में लगभग उसमें 10,000 लेसन एक साथ उसमें अपलोड कर दिए गए हैं, सब प्रकार चैलेंज उसमें डाल दिए गए हैं, तो उससे हम इसको चालू कर दिया है। लेकिन सरकार ने इसके लिए और बड़ा कदम उठाया, अभी एक साथ 15,000 स्कूलों के लिए 8 TB की हार्ड डिस्क सरकार ने खरीदी है और सरकार अब हमें सब स्कूलों के अंदर वो सप्लाई कर रही है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं समस्या है, जहां पर नेट नहीं पहुंचता है, इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर हम इस प्रकार जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क के द्वारा हम इस प्रकार की डिजिटल एजुकेशन देने की कोशिश पूरी करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये भी चाहेंगे कि इसका कोई समय फिक्स नहीं रहेगा, जैसा बच्चे चाहेगा। जैसे खेलने वाले बच्चे हैं वो खेलने के लिए जाते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, तो बच्चे वापस अपने घर पर भी उस लेसन को घर पर भी आराम से पढ़ सकता है, देख सकता है, ऐसी स्थिति हम रखेंगे उसको। वाह, ये तो यानी कि अगर हम शहरों में या फिर बड़े बड़े मेट्रोस में देखते हैं जहां सर एजुकेशन को एक बहुत हाई लेवल पर लेकर जाया जाता है, बाकी में कहा भी जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा उसके बाद में उसका भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल होगा, ना सिर्फ उस बच्चे का, उसके पूरे परिवार का और उस पूरे मोहल्ले का नाम रोशन करेगा। सर एक बात को जरा और समझाने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ एजुकेशन तक ही, स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है या फिर आज के समय में तो कॉम्पिटिशन का जमाना है, बच्चों को तमाम अलग अलग स्किल सिखाने की जरूरत तो आन पड़ती है, तो उनके लिए भी क्या डिजिटल एजुकेशन इसको प्रमोट कर रहा है? यह डिजिटल एजुकेशन सभी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, केवल एजुकेशन ही नहीं। आज हम घर पर देखते हैं, घर पर भी अपनी जो माताएं बहनें हैं वो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से स्मार्ट पीसे जाने लग गए हैं, जो बोलने पर आवाज के आधार पर वो क्या करते हैं, कार्य करने लग गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये घर पर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। साथ साथ हम यही भी देखते हैं कि आजकल जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर चौकीदार के लिए जैसे हमारे को जरूरत पड़ रही है, तो हमने इसको भी इसमें यूज करने लग चालू कर दिया कि हम कैसे चौकीदारी करें, ऑनलाइन साइट पर कैसे काम देखें, तो ये सब चीजें इनसे जुड़ने लग गई है। ऑन साइट आज हमारे यहाँ पर क्लास चल रही है, इसको ऑन साइट जयपुर में बैठे बैठे हमारे शिक्षा सचिव महोदय देख लेते हैं कि यहाँ पर क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, यहाँ पर स्थिति कैसे हो रही है। तो हर क्षेत्र के अंदर आज कोई फैक्ट्री का मैनेजर है या अपने साइट पर क्या हो रहा है, किस प्रकार घटना घट रही है, वो ऑन साइट उस चीज को चेक कर लेता है। तो हर क्षेत्र के अंदर आप देखो, बिजली के क्षेत्र के अंदर देखो तो जो इसमें कहीं पर बिजली चोरी हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एप्स बन गए हैं। तो हर क्षेत्र के अंदर हम ऐसा नहीं मानते कि एजुकेशन के अंदर ये सीखने के लिए है, लेकिन इसका जो आने वाला समय है इसका क्षेत्र और लगातार बढ़ता जाएगा और हम ये आशा करते हैं कि छोटे जो बच्चे हैं, हम देखें कि इन छोटे बच्चों को अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा था, हम उसको हाथ में एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, उस बच्चे को उस मोबाइल के साथ वो खाना खा लेता, स्थिति हम देख रहे हैं, तो बच्चे कितने जल्दी आकर्षित होते हैं इस चीज को। तो छोटे बच्चे को भी हम आम देखो कि मोबाइल गेम्स की तरफ आकर्षित हो रहे बच्चे, तो यानी कि आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर बच्चों को रखने से लेकर के बच्चों को बड़े होने में हर चीज के अंदर हम देखें कि इस प्रकार की स्थिति सामने हमारे पास आने वाली है। मैं खास तौर से उदाहरण देता हूं कि हमारे देश में अभी हम इस चीज में बहुत पीछे हैं। फिनलैंड जो साधारण सा छोटा सा देश है जहां पर कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उस देश के अंदर, फिनलैंड के अंदर
छोटे बच्चों को पहली क्लास जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वहीं से ही इनको इस प्रकार के स्मार्ट जो वर्क्स हैं उनको उस समय से सिखाया जाता है बच्चों को। और हम देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी कंपनियां वहीं से बनी, फिनलैंड से निकल रही है, और बच्चों को किसी प्रकार की एजुकेशन को अनिवार्य नहीं किया जाता है और बच्चे अपना हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर भी है वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, वो बच्चे अपने आप उसमें बढ़ते हैं वोकेशनल एजुकेशन की तरफ और अपने आप उस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं जिस क्षेत्र में उसको जाना है। और इसी कारण आप देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह ज्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं करते लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य नहीं होकर के ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन प्रमोद जी, आपने जो बात कही कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चा खाना नहीं खाता या रोता है तो उसकी जो माताएं हैं वो उस बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है ऑफकोर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी है। तो आप बता रहे थे कि इस तरह की भी व्यवस्था है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो दुरुस्त रहे और उनको अच्छे तरीके से संस्कार भी मिले और अच्छी एजुकेशन भी मिले, इसको लेकर क्या योजना है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे यहाँ पर अभी जो चीजें हैं उसका हम पूरा उपयोग ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये है। अगर हम देखा होगा कि हमने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, हम पैदल चलते हैं और उसमें अपने आप काउंटिंग होता है जी। तो हम खाना कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो आजकल आने वाले समय के अंदर ये भी हो जाएगा कि हमें कितना खाना खाना है, क्या करना है, किस प्रकार की डाइट डिसाइड करनी है, ये सब चीजें हमें डिजिटल होने वाली है आने वाले समय के अंदर। माताओं को किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हमारे इलाज वगैरह जो होंगे वो सब इससे डायरेक्ट ही हम डिजिटल इलाज होंगे, हम अपनी बीमारी को अंदर भर देंगे। ये महसूस हो रहा है आपको अपने आप, टेबलेट वगैरह प्रेशर सब अपना हो जाएगा कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, आपके चित्र में सामने चला जाएगा, आपके जो जो नेचर्स है उसके आधार पर टेबलेट्स वगैरह सब आने लग जाएगी। तो आने वाला समय जो कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए अभी हाथ में उन बच्चों को है, लेकिन अभी उन बच्चों को माताएं अभी उस चीज को समझी नहीं है, उस समझ के चक्कर में उन बच्चों को दे देती है बच्चे उस चीज को, लेकिन बच्चों के दिमाग आईक्यू इतनी तेज होती है कि वो छोटे छोटे बच्चे इतने सारे एप्स वहां पर खोल लेते हैं, उन एप्स के अंदर आगे चले जाते हैं जितने माता पिता नहीं जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, अभी बच्चों को देख करके खाना खिला रहे, अभी उन्होंने इस चीज को समझा नहीं है, इस कारण से थोड़े दिनों में ये चीज चेंज होने वाली है। यानी उससे भी आप लोग समझाने की तो कोशिश करते हैं सर, लेकिन एक और चीज आपने बताया कि एजुकेशन पढ़ाई जो है हो सकता है कई बार बोरिंग भी हो जाती है, लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि इसी डिजिटल एजुकेशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि बच्चों का रुझान भी रहे और वो अपने कोर्सेज से कनेक्टेड भी रहे, इसकी बात कर रहे थे, कैसे डिजिटल एजुकेशन को ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया जा रहा है, योजना क्या है? अभी हमने इंटेलेक्चुअल बोर्ड जो व्यवस्था की थी उनमें के आधार पर हम देखते हैं तो हम एक टीचर लगभग 4-5 स्कूलों में एक साथ पढ़ा सकता है, एक ही टीचर वहां बैठ करके और अपनी समस्याओं का समाधान वो एक साथ कर सकता है। और अभी आप देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब संवाद करते हैं जी। और सभी जिलों में एक साथ संवाद कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय के अंदर ये जो स्थिति होगी और अच्छी ज्यादा दुरुस्त होगी, क्लियर होती जाएगी, तो इससे डिजिटल का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। और छोटे बच्चों के लिए खासतौर से मैं ये भी वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दिन भर में हम कितना बोलते हैं, कितना क्या करते हैं, तो हर जगह हम सुधार कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर इसका प्रभाव हर तरफ बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है हमारे साथ में जो कई यहाँ पर लोग मौजूद हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कई बार जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो सबसे ईजी तरीका हो जाता है कि ऑनलाइन क्लास से एकदम बंक मारने का, वो ज्यादा ईजी होता है ना? कौन कौन मारता है आप लोगों में से बंक? सर ज्यादातर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ये बताइए, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा जब डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस का अगर कल्चर है, तो वो जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के रहे हैं और उन चैलेंजेस को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? ये बात सही है कि डिजिटल एजुकेशन से बच्चे बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है।
क्योंकि जब शरीर काम नहीं करता तो समझ लो मस्तिष्क पूरा काम नहीं करता, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क दोनों एक होते हैं। और डिजिटल एक्सचेंज में क्या होता है कि केवल दिमाग ही काम करता शरीर, लेकिन आने वाले समय के अंदर आने जो समय आ रहा है उसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज डिजिटल एजुकेशन में भी ऐसे हो जाएंगे, आपको खड़े होकर के या बैठ करके कैसे काम करने हैं वो चीजें भी चैलेंजिंग वो आने लग जाएगी। आपके एक्शन के आधार पर ही आपको नंबर मिलेंगे। नए जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर लगभग 70% जो आपका वर्क होगा वो 70% प्रैक्टिकल वर्क होगा, और प्रैक्टिकल के आधार पर उस प्रैक्टिकल पूरी जांच होगी, डिजिटल जांच होगी, यानी कि उसके सामने कैमरे लग करके उसका प्रैक्टिकल होगा। तो अपने आप ही बच्चे जो अपने घर पर जो काम कर रहे हैं उसको भी कैसे करना, जैसे विद्यालय के अंदर काम करते वैसे ही वो घर पर काम करेगा, उसका होमवर्क भी वैसे ही करेगा जैसे विद्यालय में कर रहा हो या किसी। अब क्या होता है कि आपसे से संवाद होता है वो संवाद कम हो रहे हैं, ये मुझे पता है। डिजिटल दुनिया आने के पश्चात परिवार के आपस में संवाद कम होने लगे, हम देखते हैं कि परिवार के अंदर भी माताएं अलग बैठी है, बच्चे अलग बैठे हैं, पिताजी अलग बैठे हुए हैं, इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आ रही है, देखने को नजर आती है। तो ये संवाद वाली समस्याएं हैं, यानी कि हम सोशल एक तरह से जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि परिवार सब अलग अलग हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से संवाद नहीं हो रहा है, इससे समस्याएं बढ़ रही है और बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं जब संवाद नहीं हो रहे, तो ये समस्याएं हमारे सामने आ रही है। लेकिन इसका समाधान हम अगर आने वाले समय देखें तो इसको एक लिमिटेशन देने पड़ेगी बच्चों को कि अब 2 घंटे 3 घंटे तक इसको वर्क करे, 3 घंटे के बाद आपको शारीरिक वर्क इतना करना जरूरी ही है, ये फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक शारीरिक वर्क नहीं होगा तब तक हम किसी काम को सफलता की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो शरीर को एक्टिव करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, और इसके लिए आने वाले समय के अंदर विद्यालयों के अंदर खेल सुविधाओं को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जितनी खेल सुविधाएं विद्यालय में बढ़ेगी, जितने भी प्रकार के जिस एज के बच्चे वहां पर हैं उस एज की खेल सुविधाएं घर के अंदर भी हो, बच्चों के अंदर भी हो वहां पर, और विद्यालय के अंदर भी हो, ऐसी सुविधाएं की तरफ बढ़ने के लिए हमने एक नया कदम उठाया कि हम छोटे छोटे स्कूलों में आजकल ओपन जिम लगा रहे हैं। इसके पीछे एक नवाचार हम कर रहे हैं, जितने भी हमारे KGB विद्यालय वहां ओपन जिम लगा दिए हैं। इसके पीछे कि बच्चे जब भी फ्री हो जितने ज्यादा हमारे पार्कों के अंदर ओपन जिम लगाएं, इसके पीछे कारण ये है। तो हम इस प्रकार नई नई खेल सुविधाएं का डेवलपमेंट करके हम इस प्रकार इन बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हम करना चाहते हैं, तभी जाके उसका परिपूर्ण विकास होगा। तो इसकी तरफ भी हम सरकार पूरा कदम उठा रही है। बहुत ही अद्भुत है सर। और वैसे भी हम देखते हैं कि विदेशों में तो खासतौर से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन सर आपने नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, मिशन 2030 का एक उद्देश्य भी यही है सशक्त राजस्थान, और उसको लेकर हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। तो मिशन 2030 के लिए 2030 के लिए एजुकेशन वाइज देखा जाए तो उसमें क्या कुछ योजनाएं हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? मिशन 2030 के हिसाब से हमने जो प्लान बनाया है राजस्थान का कि हमारे आसपास एक ऐसा विद्यालय हो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो, ऐसा विद्यालय लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेखा में एक विद्यालय ऐसा ही हो जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं विकसित हो, जहां पर स्विमिंग पूल भी हो उस विद्यालय के अंदर, ऑडिटोरियम हो उसमें बहुत बड़े खेलने की सब प्रकार की सुविधाएं हो, वोकेशनल लैब हो उसमें, लैंग्वेज लैब हो, इस प्रकार की एक स्कूल ऐसा बन जाए 15-20 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के एरिया, वहां पे जितने भी उस एरिया के बच्चे वहां आकर के इस प्रकार की सुविधाएं लें, और वहां पर आवासीय विद्यालय हो। हम इस प्रकार की हमने सुझाव दिए हैं हमारी सरकार को कि विद्यालय जब तक आवासीय नहीं होंगे तब तक बच्चे जो समस्याएं हैं ये हम देखा होगी कि आवासीय विद्यालय में खूब सरकार की समस्याएं खत्म हो जाती है, बच्चे वहां पर हर प्रकार की एक्टिविटी को उसको अनिवार्य हो जाता है, या उसको ये करते कि डे बोर्डिंग स्कूल कर दें, छोटे बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूल अनिवार्य हो जाए, जिससे क्या होगा कि सवेरे से लेकर शाम तक बच्चा वहां रहेगा तो खूब सारी एक्टिविटी सारी एक्टिविटी करेगा। तो ये जो आने वाले जो चैलेंज है उसमें खूब सारे खत्म हो जाएंगे हमारे पास चैलेंजिंग, और ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जो स्कूल हैं हम 2030 के अंदर स्थापित करने में सक्षम होंगे, जहां पर सब प्रकार की सुविधाएं सब प्रकार की परिपूर्ण हो, और वहां पर सोलर सिस्टम वगैरह जितने भी हो, जहां पर किसी बिजली जाती नहीं हो, ये सब सिस्टम वहां पर एक साथ लागू हो जाए, सब प्रकार की लेबोरेटरियां हो, तो बच्चे उन चैलेंजों को वहां पर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर बच्चे, हमारे देश के बच्चे, मैं ये मानता हूं कि कंप्यूटर ज्ञान के साथ शारीरिक ज्ञान के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब खेलों के अंदर हमारे मेडल्स बढ़ने लगे हैं पहले की तुलना में। इसके पीछे कारण क्या है कि खासतौर से महिलाएं, जब बात कर रहे थे आप कि महिलाएं जब किसी काम को करती है तो पूरे मन से करती है, उनमें भगवान ने एक तरह से शक्ति दी है, तो उस काम के अंदर महिलाएं अभी भी पदक लाने में, हम देखो कि जो बालिकाएं हैं वो हमारे पदक ज्यादा ला रही है। इसके पीछे कारण भी है
क्योंकि उनमें एकाग्रता सबसे ज्यादा होती है, भगवान ने उनको सबसे ज्यादा पावर दिया है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, तो उस पावर का भी वो उपयोग अब कर रही है क्योंकि उनको चांस मिला है, पहले चांस नहीं मिल रहे थे। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बालिकाओं को चांस मिलने से हम देखोगे आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर बालिकाएं भी आगे बढ़ेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश में एक तरह से यूं समझ ले विश्व के अंदर हमारा वापस पूरा नाम होगा। बहुत बढ़िया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए। सर आपने महिलाओं की बात की और खासतौर से शिक्षा की, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो जरा मुझे इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर एक जागरूकता की कमी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाई जाती रही है। अब जब डिजिटल शिक्षा की बात हुई तो आपको लगता है कि वो जागरूकता आई है और महिलाएं बच्चियां भी आगे आ रही हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी बच्चियों को इस शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, जोर दे रहे हैं? ऐसा जागरूकता की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पर अभी जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार की एक तरह से भीड़ की भीड़ लग रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि बच्चे आगे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या थी, और इस कारण से उन्होंने इस चीज को भाई बच्चे आगे जाके करेंगे क्या, एक तरह से माइनस पॉइंट था उनका, और इस कारण से वो पढ़ाई छोड़ा देते थे, ये कारण था। बाकी कृषि के क्षेत्र में हम देखो आप कि जहां पर भले ही किसान वो अनपढ़ है लेकिन वो पूरी तकनीकी अपना रहा है, बिल्कुल उसे पता है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट बेस्ड जब काम होने लग जाते हैं तब अपने आप किसी काम की तरफ सब जने बढ़ेंगे, रिजल्ट बेस्ड काम नहीं होते हैं तब जाकर के समस्याएं आती है। तो वोकेशनल एजुकेशन आने के पश्चात ये जो आप कह रहे हैं इस चैलेंज को हम खत्म कर देंगे, कि वोकेशनल एजुकेशन में आज देखो कि बच्चे गांव के बच्चे आगे निकल रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, और शहर के बच्चे उसमें पिछड़ जाते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे जो है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके हाथों के अंदर कारीगरी है। अभी हमने एक युवा महोत्सव लगाया था, उसमें कला की प्रदर्शनी कराई थी, तो बच्चों ने ऐसे ऐसे डिजाइन के ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ऐसे ऐसे उन बच्चों में कलाएं हैं, उन कलाओं को हमने बाहर निकालने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से हमें उन बच्चों को चांस नहीं मिल रहा है, बाकी जागरूकता कहीं नहीं है, और अगर उन बच्चों को मंच मिल जाता है, गांव वाले बच्चों को मंच मिल जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा करता हूं। आने वाले समय हमारा भारत गांवों का भारत ही रहेगा और गांवों के अंदर सब सुविधाएं विकसित हो जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यानी कि जो यहाँ की संस्कृति है उसके साथ आधुनिकता की तस्वीर नजर आती है, ये कह सकते हैं प्रमोद जी। लेकिन आपने स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन की जो बात कही, क्योंकि आज के समय में एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, कंपटीशन का जमाना है, तो जिसके पास में ज्यादा अलग अलग स्किल्स होंगी वो और आगे जाएगा, तो डिजिटल एजुकेशन में स्किल्स या फिर इस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? अभी हाल ही के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के अंदर अधिकतर विद्यालयों के अंदर हम तो अभी चयन कर रहे हैं कि संख्या जहां पर बच्चे की संख्या ज्यादा है वहां पर हमने वोकेशनल लैब स्थापित कर दिए, अलग अलग ट्रेड स्थापित कर दिए गए, जिसमें एग्रीकल्चर भी ट्रेड को ले लिया हमने खास तौर से, और दूसरे ट्रेड तो ही है बाकी एग्रीकल्चर, ये इस प्रकार से ह्यूमन से संबंधित ट्रेड से वो भी हम ट्रेड लिए हैं, या मैनेजमेंट से संबंधित ट्रेड से वो भी ट्रेड लिए हैं, लगभग 17 प्रकार के ट्रेड हमने इसमें चालू किए वोकेशनल एजुकेशन में, और उन ट्रेड्स के अंदर बच्चे अभी स्थिति हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर उसमें जागरूकता आ गई, उनकी लैब भी जो है उन लैब में बच्चे जाकर के स्वयं काम करना सीख जाते हैं। अभी 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11th का बच्चा अगर हम देखते हैं, अगर किसी विद्यालय के अंदर आईटी अगर चलती है किसी विद्यालय के अंदर, तो बच्चे साधारण से कहीं भी आईटी का काम करने में सक्षम हो जाते हैं, भले ही उसको सर्टिफिकेट वो अवेलेबल नहीं है लेकिन वो फील्ड के अंदर उस काम करने के लिए खुल जाता है। तो वोकेशन इसी प्रकार अभी वोकेशनल एजुकेशन को हमने 6th क्लास से प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया है नए शिक्षा नीति के अंदर, और 2030 के अंदर निश्चित रूप से 6th क्लास के अंदर सब्जेक्ट चयन हो जाएगा, बच्चों को वोकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर और जल्दी यानी कि और 3rd क्लास से ही अगर वोकेशनल एजुकेशन मिलने लग जाएगी बच्चों को, तो बच्चे अपनी दिशा उस समय से दिशा को देख लेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य का चयन कर लेंगे, और उस समय हम बढ़ेंगे तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। सब बच्चे जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको प्राप्त नहीं करेंगे, केवल 10% 20% ही एकेडमिक एक्शन की तरफ जाएंगे, यानी कॉलेज की तरफ जाएंगे या 11वीं 12वीं की तरफ पढ़ेंगे, वो पहले ही अपने जीवन का रास्ता संभाल लेंगे। ये तो सर आपने कहा, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन तो अभी तक हम देखते थे, लेकिन अब जो डिजिटल एजुकेशन का इम्पैक्ट है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, वो प्राइमरी एजुकेशन में भी नजर आने लग जाएगा। ये आने वाले समय के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर इस प्रकार की वोकेशनल एजुकेशन पूरी आने वाली है, और बच्चों को उस समय से ही सब्जेक्ट चयन करके वो बच्चे अपने जीवन का उद्देश्य जो जिस दिशा में जाना चाहता है, भले वो लैंग्वेज की तरफ जाना चाहे, लिखना चाहे, पढ़ना चाहे, चित्रकार बनना चाहे, पेंटर बनना चाहे, मैकेनिकल बनना चाहे, या एयर की तरफ जाना जैसा जाना चाहता है वैसी उसको सुविधा उसको मिल सकती है।
आने वाले समय के अंदर, और ये सबसे हमारे भारत का बहुत बड़ा कदम होगा कि बच्चे को समय से ही छोटे बच्चे में उसमें सांस का विकास हो जाएगा। कि वर्कर सेल स्किल की एक बहुत बड़ा इसका इफेक्ट ये है कि बच्चे में अपने स्किल को दिखाने की एक आदत पड़ जाती है, उसमें सांस का विकास हो जाता है, वह हिम्मत वाला बन जाता है, वह अपने काम को दिखाने की कोशिश पूरी कर लेता है। तो ऐसे बच्चे जब हिम्मत वाले बच्चे हमारे पास आएंगे वोकेशन के द्वारा, तो निश्चित रूप देश का अभी हमारे देश में हम देखोगा कि जो बच्चे एमए कर लिए हैं लेकिन उनको वोकेशनल एजुकेशन नहीं होने के कारण उनको हर जगह घबराते हैं, वो बच्चे अपने जीवन के अंदर हिम्मत नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे हर समय पीछे रहते हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि अगर कोई कारीगर है और वो ठेठ से अगर अपने पिताजी के साथ काम कर रहा है तो वो पांचवी पास भी है लेकिन बड़ा ठेकेदार बन जाता है, लेकिन वो ठेकेदार पढ़े लिखे इंजीनियर को अपने पास नौकरी पर रखता है। हम अभी तक ये देख रहे हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है, इंजीनियर तो बन गया लेकिन उनमें सांस नहीं आई क्योंकि उसने वोकेशनल एजुकेशन को प्रैक्टिकल नहीं किया था। वोकेशनल एजुकेशन भी थी लेकिन अब जो एजुकेशन है उसमें प्रैक्टिकल ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, थ्योरी बिल्कुल नहीं रहेगी, ऐसा आने वाला समय होगा तब जाकर के हम इसका पूरा फायदा देश को मिलेगा, वरना हमें देश को पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। इस वोकेशनल एजुकेशन अभी चल रही इंजीनियरिंग का, इसका भी फायदा हमें पूरा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये कि हमने उसको भी थ्योरीकरण कर दिया, हम वोकेशनल एजुकेशन को भी थ्योरी से पढ़ाने लग गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण माइनस पॉइंट था हमारा। ये जब पॉइंट हमारा खत्म होगा, जितने भी हमारे एग्जाम होंगे वो सब प्रैक्टिकल एग्जाम ही होंगे और उसका भी जो इसका निरीक्षण जो होगा एग्जाम का वो पूरा ऑनलाइन सब जने देख सकते हैं, ऐसा होगा तो वो अपने निश्चित रूप से उस काम को में अपना सुधार होगा और हमारा देश उसमें आगे बढ़ेगा। बहुत ही खूब सर, और आपने जिस तरह से कहा कि अब अगर आने वाले वक्त में नई एजुकेशन जो पॉलिसी है नई नीति से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी, और हमारी भी यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वाकई में एक अलग मॉडल एजुकेशन का हो। सर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों से जो एक तस्वीर बदलती है बनती है वही नए भारत को दर्शाती है, और यही हम कहते हैं कि इसीलिए बदले का भारत बने का नव भारत। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।